और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी आर्यन खान को जेल भेज दिया गया है। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एनसीबी ने यानी कि कस्टडी नहीं मांगी और 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत दी गई है, यानी कि जेल भेज दिया गया है। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को जेल भेजा गया है। बहुत बड़ा झटका आर्यन खान के लिए। आर्यन खान की बेल के लिए भी सुनवाई हो रही थी, लेकिन एनसीबी कह रही थी कि उसके पास काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली हैं और ये सब इंटर रिलेटेड है। उसकी जांच लगातार जारी है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसीबी ने की थी और उसके बाद आज क्योंकि एनसीबी की कस्टडी पूरी हो रही थी, उनको पेश किया गया। तो मुंबई रेप पार्टी मामले में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में माने जेल भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 8 आरोपी, आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत दी गई है, जेल भेजा गया है फिलहाल उन्हें। एनसीबी फिलहाल उनकी कस्टडी चाह रही थी। एनसीबी कह रही है कि उसके पास अब भी काफी सबूत हैं क्योंकि लगातार ये केस इंटर रिलेटेड है, गिरफ्तारियां अब भी हो रही हैं, ऐसे में उसे कस्टडी चाहिए और जांच होती रहनी चाहिए, एनसीबी का ये तर्क था। तो आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि जेल भेज दिया गया है। तो ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की जेल हो गई है। तो 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एनसीबी कोर्ट में आज आर्गुमेंट कर रही थी, कल एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि एनसीबी ने इस पूरे खेल को कहा है कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली हैं, लेकिन एनसीबी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था कि लगातार इस केस में गिरफ्तारियां चल रही हैं। और उसके बाद एनसीबी के आर्गुमेंट को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोर्ट ने माना है और ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।